चार सदस्यीय जांच की टीम वहाँ गई है। अभी वहाँ पर सभी लोगों से वो वार्तालाप कर रही है, पदाधिकारियों से वार्तालाप हुआ है, उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से। वहाँ पर बिहार के रहने वाले जो प्रवासी हैं उनसे, जिनसे भी बात हो सकती थी उनसे भी बात की गई। कुल मिलाकर के सभी स्थिति पर टीम अभी जांच कर रही है। जांच के बाद अगर कोई तथ्य आएगा तो हम लोगों को कम्युनिकेट होगा, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में तमिलनाडु मामले पर हर दिन ये मुद्दा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बिहार पुलिस लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए। बिहार से चार लोगों की टीम तमिलनाडु के लिए गई। तमिलनाडु में किस तरह से वहां पर हर एक इंसान से जो बिहार से जुड़ा हुआ है उनसे पूछताछ कर रही है, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ था, क्या ये मामला सच में लोगों पर जिस तरह से हमला होने का जो है वो बात सामने आ रहा था, वीडियोस वायरल हुए थे, कार्रवाई भी हुई है, चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, एक की गिरफ्तारी हुई है और एक व्यक्ति जो आरा का रहने वाला है उसकी तलाश में बिहार पुलिस लगी हुई है। तो देखिए इस मामले पर एडीजी बिहार पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ से जाँच की टीम गई है, हमने आपको बताया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। चार सदस्यीय जाँच की टीम वहाँ गई है। अभी वहाँ पर सभी लोगों से वो वार्तालाप कर रही है, पदाधिकारियों से वार्तालाप हुआ है, उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से। उसके बाद वो क्षेत्र में गई है, क्षेत्र में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक हैं उनसे उन्होंने वार्ता की है। उसके बाद वहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्री के ऑफिसर्स हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे वार्ता हुई है। वहाँ पर बिहार के रहने वाले जो प्रवासी हैं उनसे, जिनसे भी बात हो सकती थी उनसे भी बात की गई। कुल मिलाकर के सभी स्थिति पर टीम अभी जांच कर रही है। जांच के बाद अगर कोई तथ्य आएगा तो हम लोगों को कम्युनिकेट होगा, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक की स्थिति जो अनौपचारिक रूप से बताई गई वो स्थिति सामान्य है। सामान्य रूप से जो लोग होली पर आना चाहते थे उनको फैसिलिटेट करने की कार्रवाई भी ये टीम कर रही है कि किसी को दिक्कत नहीं हो, भय या आशंका का माहौल नहीं बने, इसलिए हमारी टीम लगातार वहाँ कार्रवाई कर रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या आया है, बातचीत जो हुई है पुलिस की वहाँ जांच दल की, उसमें क्या अभी जो मेरे पास आया कि ये सारे फॉल्स थे, र्यूमर थे या फिर कुछ उसमें सच्चाई थी? टीम, जैसा मैंने आपको बताया, टीम अभी वहाँ पे सभी तरीके से सभी लोगों से, सभी स्तर के लोगों से मिल रही है, वार्तालाप कर रही है। इसमें जो भ्रामक चीज़ें और जो फेक वीडियो सर्कुलेट हुए हैं उसको हम लोग चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। आपको ब्यौरा दे दिया, उसमें हमने एक कांड भी दर्ज कर लिया, चार लोगों पर FIR दर्ज की है, बाकी 26 वीडियो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनकी हम लोग जाँच कर कार्रवाई कर। कि किस तरह से चार लोगों की टीम तमिलनाडु के लिए रवाना हुई थी, सभी की नज़रें यहीं पर बनी हुई थी कि आखिर ये लोग किन से पूछताछ करेगी, क्या मामला निकलकर सामने आएगा। तो बिहार पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि वहाँ पर स्थिति जो है वो अच्छी बनी हुई है, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। वहीं जो टीम वहाँ पर गई है चार लोगों की, चार अधिकारियों की, वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, मजदूरों से पूछताछ कर रही है, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। वही होली का त्यौहार नज़दीक है, 8 तारीख को होली है, ऐसे में जो लोग तमिलनाडु में रहते हैं, मजदूर जो तमिलनाडु में रहते हैं उसके लिए भी बिहार पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है। जो चार लोगों की टीम गई है वो आने के लिए उनकी व्यवस्था कर रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।